इसराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही गाजा के अंदर इसराइल की टैंक आर्मी और ग्राउंड फोर्सेस जाने वाली हैं। और ऐसे में अब इसराइल की सेना की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए सबसे बड़ा मजबूत किला है क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा के इन सुरंगों में दो मंजिला इमारतें होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास की हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की फैली हुई सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हुए हैं और जैसे ही इसराइल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी हमास के आतंकी इजरायली सेना पर टूट पड़ेंगे। इस वक्त इजराइल की राजधानी जेरूसलम के ओल्ड सिटी के पास हूँ। इजराइल के अंदर सुबह से ही रॉकेट से हमले हो चुके हैं। दरअसल गाजा के अंदर से सुरंगों का युद्ध कोई नया युद्ध नहीं है। 2006 में भी इजराइल ने गाजा में सुरंगों को नष्ट किया था, लेकिन अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहाँ सुरंगों की संख्या बढ़ चुकी है और यही एक बड़ी चुनौती बनकर इजराइल की आर्मी के लिए उभरी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के पास सुरंगों को ढूंढने, बंधकों को छुड़ाने, सुरंगों को साफ करने, निष्क्रिय करने और नष्ट करने की क्षमता है। इजरायली आर्मी के पास यालोम यूनिट है जो कि सिर्फ सुरंगों को ढूंढकर उनको आतंकियों समेत नष्ट करने में ही माहिर मानी जाती है। यालोम इजरायल की विशिष्ट कमांडो यूनिट है जो सुरंगों को खोजने, साफ करने और नष्ट करने के लिए जानी जाती है। यालोम सुरंगों पर वार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। यालोम ने ऐसे स्पेशल डॉग्स यूनिट तैयार कर रखी है जो सुरंग के अंदर घुसकर इसराइल की सेना की मदद करती है। यालोम के पास सुरंग ढूंढने के लिए हवाई सेंसर मौजूद हैं। जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके भी यालोम आतंकियों का खात्मा करने में माहिर मानी जाती है। सुरंगों को विस्फोट करके खत्म करने के लिए यालोम के पास कई विशेष बम भी है। इसराइल के पास ऐसे कई बुलडोजर भी हैं जो सुरंगों के दरवाजों को सील करके आतंकियों को जिंदा दफन भी कर सकते हैं। साल 2017 में ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड के दौरान इसराइल की उत्तरी सीमा पर कई सुरंगों की खोज की गई थी। ये सुरंगें हिजबुल्ला की थी। तो इसराइल डिफेंस फोर्स ने सुरंगों को बंद करने के लिए ट्रक भर कर हजारों टन गीले सीमेंट सुरंग के अंदर डाल दिए थे। आतंकियों को बहुत बुरी मौत मारने के लिए कई बार इसराइल की सेना इन सुरंगों के अंदर सीवर का गंदा पानी भी डाल चुकी है। इसराइल की आर्मी के लिए सबसे आसान है समंदर के खारा पानी इन सुरंगों के अंदर डालना क्योंकि गाजा समंदर के किनारे पर बसा है। फिर भी कई कारणों से हमास की सुरंगों को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना भी कोई साधारण मामला नहीं होगा। मिसाल के लिए याद कीजिए अफगानिस्तान के पहाड़ी और कम आबादी वाले इलाके में जब अमेरिका जंग लड़ रहा था तब साल 2017 में अमेरिका की सेना ने आईएसआईएस के गुफा और सुरंग परिसर पर अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम 21,600 पाउंड का GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस गिराया था। लेकिन प्राकृतिक गुफाएं इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें तहस नहस करना आसान नहीं होता है।
इसराइल के लिए सुरंगों में सीधा एक्शन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इसराइल की आर्मी ने गाजा में घेरेबंदी की शुरुआत में ही कुछ छापे गाजा के अंदर मारे थे और इसके बाद IDF ने ही यह अनुमान लगाया था कि शायद आतंकवादी बंधक नागरिकों को सुरंगों के अंदर ले गए हैं। ऐसे में किसी भी सुरंग को बेरहमी से फूल डालने के लिए इसराइल मानसिक रूप से कितना तैयार है ये भी देखना होगा। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि इसराइल ने ऐसे बम बनाए हैं जो जमीन के ऊपर नहीं फटते हैं बल्कि वो जमीन के कई फीट अंदर जाकर फटते हैं। ऐसे में मोटी कंक्रीट से बनी सुरंग की दीवार भी फट सकती है और सुरंगें नष्ट भी हो सकती हैं। आतंक की इन सुरंगों को नष्ट करना भी इसराइल की सेना का एक प्रमुख लक्ष्य है। साल 2008 और साल 2014 में जमीनी अभियानों में इसराइल सुरंगों को नष्ट भी कर चुका है। इसराइल को उम्मीद थी कि गाजा में हमास ने करीब 500 किलोमीटर तक सुरंगें बना रखी हैं। इसराइल का दावा है कि इनमें से करीब 90 किलोमीटर की सुरंग को वो नष्ट कर चुका है। यानी इसराइल के पास पहले से सुरंगों को नष्ट करने का अनुभव मौजूद है। गाजा के अंदर इन सुरंगों की वजह से अगर इसराइल ने गाजा पर भारी तीव्रता के बम बरसाए तो इससे आम लोगों को नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि उत्तर गाजा को इसराइल ने खाली करवा लिया है। संयुक्त राष्ट्र की ही माने तो उत्तर गाजा से 10 लाख से ज्यादा लोग दक्षिण गाजा की तरफ जा चुके हैं। गाजा के अंदर पानी की सप्लाई का हाल बहुत बुरा है। दरअसल युद्ध की शुरुआत के साथ ही इजरायल ने गाजा में पानी की सप्लाई बंद कर दिया था। हालांकि इजरायल ने अब यह दावा किया है कि वो दक्षिण गाजा में पानी की सप्लाई करेगा लेकिन अब तक कुछ भी तय नहीं है। अब तो फिलिस्तीन के अखबारों ने भी यह दावा किया है कि पानी की कमी की वजह से गाजा के लोग नहा नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से त्वचा की बीमारियां होने लगी हैं। इजिप्ट के पास मौजूद वो रफा क्रॉसिंग जिसके बाहर सैकड़ों की संख्या में पूरी दुनिया से आए राहत सामग्री के ट्रक खड़े हैं वहां पर भी वॉर गेम चल रहा है। जब बाइडन ने इसराइल का दौरा किया था तब इसराइल से जाते हुए वो ये बयान देकर गए थे कि शुक्रवार को रफा क्रॉसिंग खोल दी जाएगी और राहत सामग्री अंदर जाएगी लेकिन इसराइल की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। हालांकि जब इससे पहले भी रफा क्रॉसिंग को खोलने की बात हुई थी तब इसराइल ने वहीं पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। जाहिर सी बात है रफा क्रॉसिंग को खोलना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसराइल को डर है कि राहत सामग्री कहीं गाजा के अंदर से होते हुए आतंकियों की सुरंगों में ना पहुंच जाए। पहले से इसराइल ये दावा करता रहा है कि पूरी दुनिया ने गाजा को कई सालों में जो मदद भेजी है दरअसल वो मदद आतंकियों के पास पहुंची है और उसका इस्तेमाल ऐसी ही सुरंगों को बनाने के लिए किया गया है।